घर आईटी की छापेमारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गोपाल राय के घर छापेमारी की गई। राष्ट्रीय समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी अध्यक्ष हैं गोपाल राय। हुसैनगंज के छितवापुर लाल कुआं इलाके में है आवास। 9 सदस्य टीम गोपाल राय के आवास पर कर रही है छापेमारी। लगभग 3 घंटे से चल रही आईजी की रेड। आईजी अफसर कर रहे हैं छानबीन और जांच। राष्ट्रीय समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी अध्यक्ष हैं गोपाल राय। और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सागर। सागर, आईटी की छापेमारी गोपाल राय के घर से 3 घंटे से चल रही है, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि नंदनी, तकरीबन सुबह से ही यहाँ पर छापेमारी चल रही है, और बहुत बड़ी बात है कि एक सपा नेता के ऊपर छापेमारी चल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो आईटी है और इनकम टैक्स की और तमाम जो जांच एजेंसियों की रेड जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि इसमें क्या सामने निकल कर आएगा। क्योंकि दिल्ली में आईटी रेड में मिले इनपुट के आधार पर तमाम और जगह पर आईटी की रेड भी जारी है। उसके साथ साथ जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग बनाकर जो तरह से जिस तरह से चंदा इकट्ठा करते हैं उसको भी लेकर जो छापेमारी आईटी ने की है, और बीते दिनों दिल्ली में हुई रेड पर मिले इनपुट के आधार पर गोपाल राय के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। 9 सदस्य की टीम यहाँ पे गोपाल राय के आवास पर छापेमारी करी। लगभग आपको बता दूं कि लगभग सुबह तकरीबन 7 से 8 के बीच से छापेमारी चल रही है, और सपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के यहाँ छापेमारी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा ये भी होता है कि जो आईटी की छापेमारी चली इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। और देखने वाली बात ये है कि जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं इन छापेमारी से क्या कुछ प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अब सपा के गढ़ में छापेमारी पड़ रही है, सपा के बहुत बड़े नेता के यहाँ छापेमारी पड़ी है। क्योंकि जो सपा के जो नेता हैं लाल चारबाग के लालपुर में इनका स्थित आवास है, और बहुत पुराने नेता है, बहुत कद्दावर नेता हुआ करते हैं ये। तो अब देखने वाली बात ये होती है नंदनी की अब ये क्या कुछ छापेमारी में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, और आईटी की जो टीम लगी है लगभग पिछले 4-5 घंटों से, और उसमें क्या कुछ अलग से निकल कर आता है कि किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, ये भी सबसे बड़ी दिलचस्प बात होती है। जी गोपाल राय की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इसको लेकर? देखिए, जब से अब ये छापेमारी का जो दौर चला है सबसे सुबह से शुरुआत हुई, उसके बाद से गोपाल राय को कुल मिला के नजरबंद कर दिया गया है। गोपाल राय के घर से कोई निकलने की परमिशन नहीं दी गई है। पुलिस बल तमाम तैनात है, तमाम पुलिस बल की सुरक्षा वहाँ पे तैनात है, और सबसे बात करूंगा तो घर को पुलिस से किला नुमा बना दिया गया है, और वहाँ पर पूरी तरह से मीडिया की भी प्रतिबंध कर दिया गया है, और मीडिया वालों को भी काफी दूर रखा गया है। और गोपाल राय और गोपाल राय का परिवार उनके घर के अंदर ही है, और लगभग अगर बताऊं कि जहाँ तक फोन से संपर्क करने की बात है कि हमने तमाम गोपाल राय से फोन से संपर्क करने की चाहा, लेकिन उसके बावजूद संपर्क नहीं हो पाया। तो कुल मिला के आईटी की टीम जो है फोन से लेकर तमाम जो है वो सुरक्षा के लिहाज से गोपाल राय को घर में ही रखी है। गोपाल राय के परिवार को किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और अब ये छापेमारी जब खत्म होगी उसके बाद ही गोपाल राय की प्रतिक्रिया सामने आएगी। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर आपका। चंदौली में बाइक खरीदने जा रहे युवक से 1 लाख किलो। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों ने युवक को पीट पीट कर किया अधमरा। घायल हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलिया थाना क्षेत्र के मालदा पुलिया की है घटना। गोंडा में चारपाई पर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई। चीख पुकार सुनकर मौके से फरार हुआ हत्यारा। घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस।
अभी तक नहीं हुई हत्यारे की पहचान। थाना उमरी बेगमगंज का है पूरा मामला। बुलंदशहर से औरंगाबाद के कस्बे में एनपीसी स्कूल की वैन बनी आग का गोला। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल पार्किंग में खड़ी स्कूल वैन में लग गई आग। बच्चों को आनन फानन में स्कूल के दूसरे गेट से निकाला गया सुरक्षित बाहर। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बुलंदशहर के कोतवाली औरंगाबाद क्षेत्र का है पूरा मामला। औरंगाबाद के कस्बे में एनपीएस स्कूल की वैन में लगी आग और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल जुड़ रहे हैं। विशाल, स्कूल वैन में आग लग गई है, बुलंदशहर के स्कूल वैन में एक आग लग गई है, क्या कुछ जानकारी और सामने आ रही है? बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाला गया कि नहीं अभी तक? मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र का मामला है, जहां एक एनपीटी स्कूल में एक बस खड़ी हुई थी जो शॉर्ट सर्किट के कारण सीएनजी सिलेंडर में आग लगी हुई थी, जिसको उन बच्चों को दूसरे गेट से सुरक्षित निकाला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। लखीमपुर खीरी में विधायक अरविंद गिरी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल का दौरा पड़ने से विधायक अरविंद गिरी का हुआ था निधन। गोला के प्रमुख रोडों पर निकलेगी अंतिम यात्रा, हजारों की संख्या में लोग दे रहे हैं अंतिम विदाई। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों का आना हुआ शुरू। डिप्टी सीएम ऋजेश पाठक पहुंच रहे हैं गोला कोकरनाथ। कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही भी पहुंच रहे हैं गोला कोकरनाथ में। लखीमपुर खीरी में विधायक अरविंद गिरी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। दिल का दौरा पड़ने से विधायक अरविंद गिरी का हुआ था निधन। उन्नाव में टीटी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। यात्री के पास टिकट होने के बाद भी मांगे पैसे, टिकट में कभी बताकर मांगे 300 रुपए। यात्री को टीटी ने मारे थप्पड़ व लात घुसे। उन्नाव जंक्शन का बताया जा रहा है पूरा मामला। गांव में टीटी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। यात्री के पास टिकट होने के बाद भी मांगे पैसे, टिकट में कभी बताकर मांगे 300 रुपए। और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चेतन जुड़े हैं। चेतन, यात्री टिकट होने पर भी यात्री के पास टीटी 300 रुपए उससे अधिक मांग रहे हैं। जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला उन्नाव जंक्शन का है, जहां पर आज कहीं ना कहीं टीटी की दबंगई सामने आई है कि जिस तरीके से एक लड़के को पहले तो रूम में बंद कर दिया जाता है और बाद में जीआरपी पुलिस द्वारा भी उस पर कार्रवाई की जाती है। पूरा मामला जो सामने आया है उसमें लड़के के पास टिकट भी मौजूद थी, उसके बावजूद जो है उस लड़के को बैठाया गया। कमी थी, कमी को पूरा करने के लिए अन्य भी तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से जो लड़के को बैठाया गया है, जो पूरी तरीके से पूरी घटना की निंदा की जा रही है, उसमें कई अन्य लोग जो वहां पैसेंजर मौजूद थे उन्होंने भी टीटी का विरोध किया है। उसके बावजूद भी जीआरपी पुलिस ने फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद उससे पूछताछ कर रही है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेतन। नौ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक में पीछे से घुसा तेज रफ्तार कंटेनर। हादसे की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा। हादसे में एक युवक की मौत। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
और आज थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 270 की है पूरी घटना। उन्नाव में गोरखपुर से सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजसंत ब्रह्मलीन महंत की 8वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। पुण्यतिथि सप्ताह समारोह का करेंगे उद्घाटन। पुण्यतिथि को लेकर पूरे एक सप्ताह कार्यक्रम का होगा आयोजन। और इसी में हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा है गोरखपुर में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा है और आज से ही गोरखनाथ मंदिर में राम कथा का आयोजन किया जाएगा जो एक सप्ताह तक चलेगा। आपको बता दें कि स्मृति भवन डिविजन ऑफ स्मृति भवन में संगीतमय राम कथा का आयोजन किया जाएगा और जो पूरे हफ्ते चलेगा। इसके लिए एक यात्रा भी निकलेगी जो गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही निकलेगी, वहां से होते हुए दिग्विजय नाथ स्मृति स्थल तक पहुंचेगी और वहां पे जो है राम कथा का आयोजन किया जाएगा। 3 बजे से 6 बजे तक ये कथा चलेगी और इसके साथ ही आपको बता दें 13 सितंबर को जो है इसका उद्यापन होना है और इसी में भंडारा भी होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु। कानपुर में दिव्यांशी गार्डन में चला केडीए का बुलडोजर। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी दस्तावेज से कराई गई थी रजिस्ट्री। सपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष का है दिव्यांशी गार्डन, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। केडीए के अधिकारी भी मौके पर रहे मौजूद। दिव्यांशी गार्ड में चला केडीए का बुलडोजर। और इसमें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उपेंद्र जुड़ रहे हैं। दिव्यांशी गार्डन में बुलडोजर चलाया और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? नंदनी, आपको बताना चला कि जो कानपुर का जो दिपर्रा क्षेत्र का दिव्यांशी गार्डन बना हुआ है, पहली बार तो ये आधी जमीन जो है इसकी एनएचआई की रूलिंग में 6 लेन के अंदर आती थी और उसकी बाकी जमीन जो है वो कानपुर विकास प्राधिकरण की थी। इनको कि देखा है तो कहीं ना कहीं नोटिस जो है, जो मुकदमा है इनका हाईकोर्ट से स्टे लगभग 15 से 20 साल पुराना चल रहा था, उसका देखा जाए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रगति समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनके वो करीबी नेता माने जाते हैं विरोध प्रजापति, और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं इनको लीगल नोटिस पहले दी जा चुकी थी 2 महीने पहले खाली करने के लिए, पर जब इन्होंने नहीं खाली की तो आज पुलिस प्रशासन कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पूरी तरीके से देखा जाए पूरे दल बल के साथ आज जो है अतिक्रमण किया गया। धन्यवाद आपका उपेंद्र। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।